कौन था केजीएफ मूवी में यंग रॉकी, अनमोल की लाइफ कैसे बदली केजीएफ पिक्चर ने, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। जब केजीएफ पिक्चर आई तो सबकी निगाहें यश पर टिकी थी। उसकी स्टोरी लाइन और यश के डायलॉग इतने दमदार थे कि सभी लोग उनके दीवाने हो गए। लेकिन हम में से किसी ने नोटिस नहीं किया होगा कि केजीएफ में एक ऐसा भी किरदार था जो बेहद थोड़े समय के लिए था, लेकिन उसने ही यश के किरदार की नींव रखी थी। हम यश की माँ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुद यश के किरदार की। केजीएफ फिल्म में अगर आपने नोटिस किया होगा, यश का बचपन भी दिखाया गया था जब उसकी माँ उसे वचन लेती है। तो कौन था यश का यंगर वर्जन, आज हम इस वीडियो में उसी पर कुछ खास चर्चा करेंगे। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि अनमोल विजय भटकल थे, जी हाँ, जिसने निभाया था रॉकी के बचपन का किरदार। उस वक्त अनमोल केवल 14 साल के थे जब वो फिल्म में काम करने की उम्मीद करते थे, और कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसी उम्मीद ने अनमोल की ज़िंदगी बदल दी और अनमोल को मौका मिला प्रशांत नील की फिल्म केजीएफ में लीड रोल निभाने का मौका। जब केजीएफ में अनमोल ने काम किया था तो वो 9th क्लास में थे। सिल्वर स्क्रीन पर खुद को देखने पर अनमोल कहते हैं कि वो बेहद एक्साइटेड हो गए थे खुद को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए। उन्हें गर्व भी हुआ था, और जब केजीएफ 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ तब उन्हें अपनी एक्टिंग स्किल्स भी काफ़ी पसंद आई थी। इसके बाद ही अनमोल को यह एहसास हुआ कि यह वही है जो वो हमेशा से चाहते थे। आपको बता दें, अनमोल 9 साल से डांस सीख रहे हैं और उनके डांस टीचर ने ही उन्हें रॉकी का किरदार रिकमेंड किया था, जिसके लिए वो हमेशा ही अपने डांस टीचर के शुक्रगुजार रहेंगे। अनमोल इससे पहले भी तमिल की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी वो कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, हमने यंगर रॉकी की बात तो कर ली, अब बात करते हैं रॉकी उर्फ यश की। क्या हुआ था जब यश को रॉकी का किरदार ऑफर हुआ? बता दे, अपने किरदार को लेकर यश ने कहा, मैं पिछले 4 सालों से इसी किरदार में जी रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने रॉकी के किरदार को जिया है और उस किरदार से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो अपने आप में मेरे अंदर आई है। वास्तव में मुझे बहुत अधिक तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। केजीएफ 2 कई रोमांचक और चुनौतीपूर्ण सीक्वेंस के साथ बड़े पर्दे पर दस्तक देने वाली है, लेकिन उसमें से किसी एक को बता पाना मुश्किल होगा। यश ने कहा, केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी का व्यक्तित्व, उसकी दुनिया और उसके अंदर के राक्षस पर काबू पाने की जिद को दिखाता था, लेकिन इस बार रॉकी का किरदार अलग होगा, जिसमें खूब सारा एक्शन और एक इमोशनल साइड भी देखने को मिलेगा दर्शकों को। बात में कोई शक नहीं है कि इस फिल्म से 2 लोगों की लाइफ चेंज हुई है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि किसी फिल्मी किरदार ने आपकी लाइफ चेंज कर दी हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी अपर्णा वत्स को दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।